कल शाम से गला खराब है, सुबह से उपवास है, बट चाहे जो हो जाए, एक बार जो अपन ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी तो ये बिल्कुल भी ये रुकने वाली नहीं है। तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और आ गया हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से एक और नए चैप्टर के टॉप 15 एमसीक्यू के साथ। और आज अपन देखने वाले हैं आपके स्टडी नोट नंबर 5, दैट इज मार्केट के 15 एमसीक्यू। तो आई होप आप सभी रेडी हो गए होंगे, एकदम बिल्कुल प्रिपेयर करके बैठे होंगे। तो देर किस बात की, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो लाइन वाइज आपके सामने 15 क्वेश्चन दराधन आते जाएंगे, आपको जो भी है आपका आंसर फटाफट फटाफट कमेंट करते रहना है, और लास्ट में आपका स्कोर क्या हुआ ये मुझे बताना है। अच्छा, लाइक टारगेट मैं रखूंगा भैया 11 लाइक्स का, ठीक है, 11 लाइक्स का लाइक टारगेट रहेगा इस वीडियो पे। जैसे ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो आपके पास आएगा वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी स्टडी नोट नंबर 1, ठीक है। जैसे ही आप इस वीडियो पे 11 लाइक्स करवा दोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की वीडियो आपके सामने ला दी जाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलना। बढ़ते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश मेजर टाइप्स। वेरियस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम मार्केट को कितने मेजर टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। इसमें से करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 3। अगेन हमारे स्टडी मटेरियल की पहली ही लाइन से, पहले ही चार्ट से निकला हुआ ये क्वेश्चन है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, टाइम और कंपटीशन। तो टोटल 3 मेजर टाइप्स हो गए जहां पे अपन मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दैट इज डैश रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस यानी एक जैसे सिमिलर प्रोडक्ट। कौन सा ऐसा कंपटीशन है, कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं ऑफ सेम प्रोडक्ट? क्या वो परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है? काफी सिंपल इजी आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। अगर ये भी तुम नालायक को आंसर नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर रहे हो, अभी भी टाइम है भैया, पढ़ लो अच्छी तरीके से, रिवाइज कर लो, काफी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। नो इंडिविजुअल फर्म इज एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, पार्टली फॉल्स है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन यानी जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, ऐसे मार्केट में कोई भी एक इंडिविजुअल मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस क्या है, नहीं कर सकता है। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, पार्टली ट्रू है या पार्टली फॉल्स है? तो सिंपल है, इसका आंसर इज 100% ट्रू भैया। जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है तो एक अकेला व्यक्ति मार्केट के प्राइस को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इक्विलिब्रियम प्राइस इज एस्टैब्लिश एट अ पॉइंट वेयर द डैश। एकदम हलवा क्वेश्चन भैया, इक्विलिब्रियम प्राइस कब आती है, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है। कहां है, ऑप्शन नंबर सी, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। बाकी ऑप्शन क्या है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, और नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पब्लिक बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज। प्राइस और सप्लाई ऑफ गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई के साथ क्या होता है, और अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस के साथ क्या हो रहा है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो क्या होता है भाई, जब भी प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ती है, जब भी प्राइस कम होता है तो प्रोड्यूसर्स भी जो है सप्लाई को कम कर देते हैं। तो ऐसी चीज जो दोनों एक साथ बढ़ रही है या दोनों एक साथ कम हो रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, न्यूट्रल है या नन ऑफ दीज है? तो काफी सिंपल, काफी इजी, ये है पॉजिटिव, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, जहां एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, इट इज अ पॉजिटिव रिलेशन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या बोल रहा है, टू डिटरमाइन द मैक्सिमम आउटपुट विच टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। मैक्सिमम आउटपुट के लिए कौन सी ऐसी दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए? सबसे पहला दे रहा है अपने को मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। MR कर्व कट्स द MC कर्व फ्रॉम बिलो, MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो, और मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन है आपके पास बोथ 1 एंड 2, बोथ 2 एंड 3, बोथ 3 एंड 4, एंड डी ऑप्शन अपना 1 एंड 3। तो चारों स्टेटमेंट्स आपको लाइन से पढ़ो बहुत ही आराम से, थोड़ी सी भी इधर उधर में आप सिली मिस्टेक कर सकते हो। चारों स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ ऐसी कौन सी दो कंडीशन है जो मैक्सिमम आउटपुट के लिए हमको चाहिए, और आंसर तो मैं आप सभी को जो है वो बता ही रहा हूं। जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जी हाँ, और MR कर्व कट्स द MC कर्व फ्रॉम बिलो। तो यही दो कंडीशन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है अपना करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, द वर्ड ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टू ग्रीक वर्ड। कौन से दो ग्रीक वर्ड को मिला के वर्ड जो है ओलिगोपोली बनता है? पहला है ओगी, ओगी और नेपोलियन, दूसरा है ओलिगो और पोली, तीसरा है ओलिगोपोलियन और चौथा है ओलिगोपोली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी तो ये सेम सेम हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आप यहाँ पे कट कर देंगे,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ए भी बिल्कुल नहीं है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओलिगो एंड पोलियन। तो जो हमारा वर्ड है ओलिगोपोली, ये कहां से बना है? दो शब्द ओलिगो और पोलियन से। अच्छा, नोट्स में भी मैं साथ साथ आपको दिखाते हुए चलता हूं। पहला क्वेश्चन क्या था अपना की हाईएस्ट आउटपुट के लिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम प्राइस कब होती है? जब डिमांड और सप्लाई सेम हो जाती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे जाएंगे, ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली कहीं निकल ना गया हो? नहीं निकला, ये रहा। ये देखो, टू ग्रीक वर्ड ओलिगो और पोलियन, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल गया है। बढ़ेंगे आगे, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इनमें से कौन सा मोनोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर नहीं है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, रिजिड प्राइस और इम्परफेक्ट नॉलेज। कौन सा फीचर नहीं है? नॉट अ फीचर, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिजिड प्राइस। रिजिड प्राइस मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एक फीचर नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रोड्यूसर कैन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अंडर डैश मार्केट। कौन से मार्केट में जो प्रोड्यूसर है अपने कमोडिटी का प्राइस जो है डिसाइड कर सकता है, इतनी उसके पास पावर होती है? मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, परफेक्ट या ओलिगोपोली। काफी सिंपल इसका आंसर है, मोनोपोली। मोनोपोली यानी ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ एक सेलर है और बहुत सारे बायर्स है, तो वहां पे सेलर के पास फुल कंट्रोल होता है, फुल पावर होती है, वो प्राइस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, यानी ज्यादा और कम कर सकता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, दैट इज इन द लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम फर्म, ठीक है, इन लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम फर्म ओनली गेट्स, ठीक है, लॉन्ग समय में फर्म को क्या मिलते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस, नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, जल्दी से जल्दी अपना आंसर दो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है एबनॉर्मल प्रॉफिट, नहीं लॉसेस भी नहीं, करेक्ट आंसर है नॉर्मल प्रॉफिट। लेक्चर के टाइम भी मैं बताया था कि भैया शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, बट लॉन्ग रन में, लंबे समय में जो एवरेज जो है फर्म का निकल के आता है वो है नॉर्मल प्रॉफिट का। लॉन्ग रन में जो भी फर्म होती है वो नॉर्मल एक रीजनेबल प्रॉफिट ही अर्न करती है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। अंडर डैश इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस व्हाट काइंड ऑफ डिमांड कर्व विल बी देयर फॉर अ फर्म। कौन से मार्केट में, कौन से कॉम्पिटिशन में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है गेस करना कि आगे जाके फर्म का जो कर्व है, जो डिमांड का कर्व है वो कैसे होगा? क्या वो ऊपर जाएगा, क्या वो नीचे आएगा, क्या वो यू शेप में रिकवर करेगा, वी शेप होगा, एस शेप होगा, कैसे होगा? कौन से मार्केट के अंदर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करना? क्या वो डुओपोली है, मोनोपोली है, परफेक्ट है या ओलिगोपोली है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? देखो, मोनोपोली में हमको पता है डिमांड ऑलवेज रहनी ही है, तो इसमें अपन गेस इजीली कर सकते हैं। डुओपोली में भी दो कॉम्पिटिटर है, इजीली गेस हो जाएगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी हमको पता है कि यार एक रीजनेबल रिटर्न तो मिलना ही है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ वहां पे होनी है, तो ये भी अपना ऑप्शन कट गया। बचा क्या? ओलिगोपोली, एंड ओलिगोपोली इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू इक्वल द कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? की ऐसी प्रैक्टिस जहां पे हम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट सेट करते हैं इक्वल टू एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। हम प्रोडक्ट की प्राइस को कुछ इस तरीके से सेट करते हैं जिससे हमारी अगले यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट निकल जाए। ऑप्शंस क्या है देखेंगे, डायनामिक प्राइसिंग, लिमिट प्राइसिंग, एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग या मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो प्राइसिंग टेक्निक्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती है, वो मैंने रेगुलर लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज किया है, ट्रस्ट मी, आपने अभी तक आंसर कर दिया होगा। जो आंसर नहीं कर पाए उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, करेक्ट ऑप्शन इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। दिखा देता हूं, नोट्स में आएंगे नीचे, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मार्जिनल, ये रहा लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। सेम लाइन आपको मिल जाएगी, कॉपी पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू डैश नो डिटरमिनेंट इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट इन अंडर डुओपोली। किसके अकॉर्डिंग डुओपोली में एक डिटरमिनेंट इक्विलिब्रियम हम नहीं बता सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? कोनॉट्स मॉडल, एडवर्ड्स मॉडल, सैकबर्ग्स मॉडल या अपना ऑप्शन नंबर सी? जल्दी से कमेंट कर दो क्या होने वाला है आंसर आपका। वेट कर रहा हूं जल्दी से। ओके, लगता है अभी तक आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो कमेंट कर दिया होगा, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एजवर्ड्स मॉडल। आएंगे अपन नोट्स में, ये रहा, नो डिटरमिनेंट इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट अंडर डुओपोली। किसने बोला? एडवर्ड्स मॉडल ने बोला। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर ज्ञानी अ शॉपकीपर सेट्स द प्राइस ऑफ अ कॉफी मग एंड अ बेसबॉल बैट एट 199 एंड 499। आइडेंटिफाई विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय मिस्टर ज्ञानी। तो मिस्टर ज्ञानी जो है प्राइस को 199 और 499 रख के कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं?
पेनिट्रेशन प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग, लिमिट प्राइसिंग या साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो इसका सही आंसर है काफी सिंपल, ऑप्शन नंबर सी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, यानी आपके ब्रेन के साथ ही खेलना चाह रहे हैं। कैसे? प्राइस है इसका क्या 199, जो कि क्या बनता है 200 के इक्विवेलेंट है। बट जब भी हम प्राइस रीड करते हैं, हम रीड करते हैं नंबर्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जब भी हम लेफ्ट में देखते हैं सबसे पहला ये वन, तो हमको लगता है कि 100 रुपए की ही है ये चीज, या ये चीज 400 रुपए की, तो ऐसा हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है। बट असल में वो क्या है, वो 200 रुपए की है और जो बेसबॉल बैट है वो 500 रुपए का, यानी जस्ट डबल। बट अपने मन में क्या सिग्नल जाता है कि आधी है, इसीलिए इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द डैश इनकर्स द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन सेलिंग कॉस्ट, इनमें से कौन सा मार्केट सेलिंग कॉस्ट पे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर करता है? मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, डुओपोली मार्केट या ओलिगोपोली मार्केट? थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि भैया मोनोपोली मार्केट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, उसको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। डुओपोली दो ही लोग हैं, तो अगेन एडवर्टाइजमेंट में सेलिंग कॉस्ट में बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगेन इसके बाद ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली बचता है, और जिन लोगों ने अच्छी तरीके से तैयारी की होगी वो आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओलिगोपोली मार्केट। ये देखो ऑप्शन नंबर डी ओलिगोपोली मार्केट इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ जो टोटल आपके टॉप 15 MCQs है विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर मार्केट, यहीं पे खत्म होते हैं। लाइक टारगेट मैंने आपको बता दिया है जो कि 11 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस लाइक टारगेट को पूरा करवा दोगे। जैसे ही पूरा करवाओगे, स्टडी नोट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स का आपको टॉप 15 MCQ की वीडियो तुरंत तुरंत मिल जाएगी। आपका स्कोर क्या रहा आज की इस टेस्ट सीरीज में, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वैल्यूएबल टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।